नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। निवाड़ी आतंक और गुंडागिर्दी की समाप्ति, पृथ्वीपुर के विकास के लिए भाजपा को जिताना है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने ली पृथ्वीपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। कांग्रेस का शासनकाल गुंडागिर्दी और आतंक का पर्याय बन गया है। चंबल से लेकर चित्रकूट और पृथ्वीपुर तक आतंक का राज था, गरीबों को दबाया जा रहा था। भाजपा की सरकार आने के बाद इस आतंक का खात्मा हुआ। ये आतंक फिर से ना लौटे और पृथ्वीपुर विकास के रास्ते पर तेजी से चले, इसके लिए इस उपचुनाव में आप सभी का समर्थन जरूरी है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पृथ्वीपुर में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कही। लोकतंत्र में आतंक से दबाई नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था, मिस्टर भंडारा मुख्यमंत्री थे, तो चंबल की भीड़ों से लेकर चित्रकूट तक डाकुओं का आतंक था। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही कह दिया था कि या तो मध्य प्रदेश में डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा। भाजपा सरकार बनने के बाद चंबल से लेकर चित्रकूट तक के डाकुओं का सफाया कर दिया। पृथ्वीपुर में हमारे नेता और हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाने वाले सुनील नायक की हत्या करवा दी गई। वे गरीबों के लिए आवाज़ बुलंद करते थे, तो उन्होंने उनकी आवाज़ को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया। वे हमारे लिए शहीद हुए हैं, उनकी पृथ्वीपुर में प्रतिमा लगाई जाएगी। भोपाल संभाग ब्यूरो, दीपक बर्थे की रिपोर्ट।